कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई जारी रखने के लिए योगी सरकार की पहल पर स्कूल अब बच्चों के घर पर आ गया है। शिक्षक घर जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं ताकि उनकी पढ़ाई प्रभावित ना हो। इसके लिए अध्यापकों की टोली अपने बच्चों को ज्ञान देने के लिए उनके घर पर पहुंच रही है। कोरोना काल में लॉकडाउन के साथ ही विद्यालयों पर ताला लटक गया, बच्चों की पढ़ाई पर विराम लग गया। जिसके पास एंड्रॉइड मोबाइल था उनकी पढ़ाई जारी है। जो आधुनिक मोबाइल से वंचित थे उनके लिए आपका विद्यालय आपके द्वार की सोच के साथ योगी सरकार की पहल लोगों को रास आ रही है। घर पर खेलने वाले बच्चों को अब घर पर ही पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं गौतम प्रसाद बीएससी मिर्जापुर जनपद मिर्जापुर में जो ऑनलाइन क्लासेस चलाए जा रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से वो तो संचालित कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिन बच्चों के पास या उनके अभिभावकों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है उनके लिए हम लोग कैसे उनको शिक्षित करें, इसके लिए हम लोगों ने जिन बच्चों के पास एंड्रॉइड मोबाइल नहीं है उसकी सूची बनवाए और वह अध्यापकों को रोस्टर के आधार पर लगाया कि 5-5 बच्चों को जाके समूह में उनके घर उनको काम दें, उनको पढ़ाएं। इसके हिसाब से रोस्टर के आधार पर ये लोग जा रहे हैं, अध्यापक लोग, और जाके काम कर रहे हैं। शिक्षक अपने छात्रों के भविष्य को संवारने के लिए उनके घर जाकर ज्ञान बांट रहे हैं। उन्हें सरकार के फरमान पर गर्व है। अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए घर पर जाकर बच्चों को पढ़ाने वाले अध्यापक और अध्यापिका खुश है। सर, हम इस समय कोरोना का वो चल रहा है इसलिए हम लोग गांव-गांव घर-घर जाके बच्चों को गतिविधियों के माध्यम से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चे भी खुश हैं, काफी बच्चे, हम अगल बगल के भी बच्चे दौड़ दौड़ के आ जाते हैं और गार्जियन भी बहुत खुश हैं। सर, घर पर रहकर खेलने के साथ ही पढ़ने का मौका मिलने से बच्चे भी खुश हैं। NBC न्यूज़ के लिए मिर्जापुर से अजय दुबे की रिपोर्ट।